कैसे विश्वामित्र के मुंह से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ दुखी एवं मूर्छित हो गए। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, ये बातें आप ही के योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन सुनने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। इसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं और उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको प्रारंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काकपक्षधारी सत्य प्राकर्मी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के अलावा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भूपाल, आप पुत्र विषायक स्नेह को सामने ना लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा वे अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। काकुस्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में ना डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम विद्वान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराजा दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब वह भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।